क्रीज से बाहर निकल आए हैं और बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है वो कमर से नीचे की है, तो ऐसे में ये लीगल डिलीवरी है और इस पर विराट कोहली आउट है। तो अब विराट कोहली ने जैसे ही थर्ड अंपायर के इस डिसीजन को देखा वो पूरी तरह से चौंक गए। इतनी ज्यादा खराब अंपायरिंग हो रही है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। अंपायर कुछ भी डिसीजन दे रहा है, वो तो शुक्र है कि हम नई टेक्नोलॉजी आ गई है, DRS आ गया है। तो IPL में बहुत ही गंदी अंपायरिंग हो रही है। रात वाले मैच में अंपायर ने नो बॉल पर विराट कोहली को आउट दे दिया। ये बॉल थी, विराट कोहली बाहर निकले, करीब से थोड़ा बाहर थे, एक पांव बाहर था एक अंदर था, जैसे उसने बैट को जो है ना हिट किया और उस कैच हो गया। लेकिन ये साफ बॉल थी कि ये बॉल जो है ना नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने इसको आउट दे दिया। इस पर विराट कोहली चिढ़ गए अंपायर के साथ, उसे बहस भी की, लेकिन फिर भी इसको आउट दिया गया। इसके मुतालिक इंडियन मीडिया का रिएक्शन सामने आ गया है, देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके मुतालिक क्या बात करते हैं। IPL में बॉलिंग स्टैंडर्ड कितनी ज्यादा वाहियात है इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंदा अंपायरिंग हो रही है। इतनी ज्यादा खराब अंपायरिंग हो रही है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। अंपायर कुछ भी डिसीजन दे रहा है, वो तो शुक्र है कि हम नई टेक्नोलॉजी आ गई है, DRS आ गया है, तो आप DRS लेके, इवन कई ऐसे मौके मैच में बनेंगे जहां वाइड बॉल रहता है लेकिन अंपायर वाइड बॉल नहीं देता है, फिर बैट्समैन को लगता है कि वाइड बॉल है तो DRS ले लेता है, उसके बाद पता चलता है कि सच में यह वाइड बॉल है। आज सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई है, विराट कोहली आउट हुए या नहीं हुए, सबसे बड़ा यह है। अब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर आज विराट कोहली गुस्सा क्यों हुए। हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी एक गेंद उन्होंने ऐसी डाली थी, हालांकि लगा कि उनके हाथ से ना बस छूटा है, खुद हर्षित राणा को ही नहीं लगा कि भाई इस बॉल पर विकेट भी आएगा। विराट कोहली इतनी हाइट से बॉल ऊपर से आ रही है, उन्होंने खेल दिया और जो है हवा में फिर गेंद उड़ गई, हर्षित राणा ने कैच ले लिया। अब इस बात पे विवाद हो, क्योंकि विराट कोहली पूरी तरह से तैयार थे कि भाई नो बॉल है ये, पूरी तरह से नो बॉल है ये। इवन कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि ये क्लियर नो बॉल है भाई, इतनी हाइट से गेंद आ रही है। ठीक है, अब जब थर्ड एम्पायर के पास गए तो थर्ड एम्पायर माइकल गॉफ थे, उन्होंने बोला कि विराट कोहली जो है क्रीज से बाहर निकल आए हैं और बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है वो कमर से नीचे की है, तो ऐसे में ये लीगल डिलीवरी है और इस पर विराट कोहली आउट है। तो अब विराट कोहली ने जैसे ही थर्ड अंपायर के इस डिसीजन को देखा वो पूरी तरह से चौंक गए। इवन कमेंटेटर फैंस जितने भी लोग आए हुए थे हर कोई हैरान था कि भाई ये तो नो बॉल है, क्लियर देखने से लग रहा था नो बॉल है, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर गेंद कितने भी कमर के ऊपर से रही ठीक है तो आप नो बॉल है, ठीक है अगर गेंद कमर के ऊपर से गई तो नो बॉल है। लेकिन जो माइकल गॉफ ने देखा कि विराट कोहली जो है क्रीज से बाहर आ गया है, अब क्रीज से अगर आप बाहर आ गए नियम तब तो लागू ही नहीं होगा, तब तो नो बॉल कहां से होगा, तो इसी वजह से थर्ड अंपायर ने बोला कि भैया ये लीगल डिलीवरी है और इसको आउट करार दे। विराट कोहली इतने ज्यादा गुस्सा हुए उसके बाद कि वो जो मैदानी अंपायर दो दो थे ठीक है, एक लेग अंपायर उसके बाद जो एक मेन अंपायर होता है, उनके पास पहुंचे, उनको बहुत अच्छे तरीके से रेला, बहुत अच्छे तरीके से सुनाया और जाते हुए जो है उन्होंने बल्ला भी मार दिया डस्टबिन पे, क्योंकि इतना ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे। इवन आप भी देखेंगे, हम भी देख, जो भी लोग ये बॉल देखा है वो साफ तौर पे बोल रहा है भाई विराट कोहली आउट नहीं था, लेकिन वही है कि थर्ड एम्पायर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सब कुछ देखता है और उनको ये लगा कि बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है, जब बॉल विराट कोहली ने हिट किया और वहां से जो ट्रेजेक्टरी बन रहा है वो कमर के नीचे से बन रहा है और विराट कोहली क्रीज से भी बाहर है, तो नियम के अकॉर्डिंग विराट कोहली आउट है। नियम के अकॉर्डिंग थर्ड एम्पायर ने बोला कि विराट कोहली आउट है। अब हर किसी के ना अपना अपना एक ओपिनियन होता है। फॉर मी, मुझे नहीं लगता है कि ये जो है लीगल डिलीवरी थी, मुझे लग रहा था कि नो बॉल है, मैंने भी देखा मैच, मुझे भी लगा नो बॉल है। अब वही होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी होता है तो आप उसको उस हिसाब से ही देते हो, क्योंकि मशीन ऐसा बोल रहा है तो आप उसी हिसाब से दोगे। यही नो बॉल की कंट्रोवर्सी फिर मुझे T20 विश्व कप 2022 भी याद आ जाता है, MCG वाला मुकाबला, वहां पे वो नो बॉल नहीं था लेकिन उसको नो बॉल दिया गया था, मैंने भी देखा था मैच। अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा इस बात पे, वो नो बॉल नहीं था लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया अंपायर ने नो बॉल दे दिया था उसको, फिर सबको लगा ये। तो भाई ऐसा होता भी है कई दफा कि आपके पक्ष में कई डिसीजन चले जाते हैं और कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन RCB के जितने भी फैंस थे, इवन विराट कोहली के जितने फैंस है, अंपायर के इस फैसले से काफी ज्यादा वो नाराज दिखे, नाखुश दिखे। और मैं आपको बता दूं कि 224 रन चेस करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विराट कोहली की टीम उतरी है, RCB की टीम ग्रीन जर्सी पहन रही है, और अभी तक विराट कोहली की टीम RCB
आईपीएल इतिहास में सिर्फ एक ही दफा ऐसा हुआ है जब 200 प्लस रन का इन्होंने टारगेट को चेज किया। 17 या 18 बार ये लोग हारे ही हारे, तो होपफुली कि आज कुछ इतिहास बदले। लेकिन विराट कोहली के इस डिसीजन को पूरी तरह से कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, हर किसी का अपना ओपिनियन है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली आउट था या फिर ये नो बॉल था, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।